नमस्कार। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर ये खास सीरीज हम आप तक लाए हैं। इनकी शख्सियत के तमाम पहलू हैं, इनसे जुड़े तमाम प्रसंग हैं, किस्से कहानियां हैं जो आप तक पहुंचते रहे हैं। वैसे हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता ने अनगिनत महान आत्माओं को जन्म दिया है। महात्मा गांधी उसी अक्षुर दर्शन और ज्ञान परंपरा के वाहक हैं। हमारी ये सीरीज पोरबंदर से शुरू हुई, जहां इनका जन्म हुआ था। इनकी आत्मकथा बताती है कि कैसे बचपन से इनका झुकाव स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी यानी दर्शन की तरफ था। आज इस एपिसोड में हम उनके साउथ अफ्रीका प्रवास और उससे जुड़े प्रसंगों की चर्चा करेंगे। जानेंगे कि कैसे वो हालात थे जिनसे गुजरकर एक साधारण मानव महामानव बना। चलिए शुरुआत करते हैं उनके कुछ दुर्लभ फोटोग्राफ से। जून 10, 1891 में मोहनदास करमचंद गांधी ने इंग्लैंड में बार का इम्तिहान पास किया और भारत वापस आए, इस आस में कि वकालत शुरू की जाए। हम आपको बता दें कि शुरुआती दौर में इन्हें इसी नाम से जाना जाता था। इतिहासकारों के मुताबिक इनके लिए महात्मा शब्द का पहली बार इस्तेमाल गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने 6 मार्च 1915 में किया था। बहरहाल भारत लौटने के बाद इन्होंने पहले बॉम्बे उच्च न्यायालय और बाद में राजकोट में वकालत की, पर बात नहीं बनी। सारी कोशिशों के बावजूद गांधी अपनी साख बनाने में असफल रहे। ये 1891 से 1893 के बीच का दौर था। उनका वित्तीय संकट बढ़ रहा था। फिर एक दिन नियति ने करवट ली। साउथ अफ्रीका के डरबन शहर में एक गुजराती व्यवसायी रहते थे, दादा अब्दुल्ला। उनके एक बिजनेस पार्टनर ने एक डीलिंग में उनके साथ कुछ धोखाधड़ी की थी। उन्होंने इसके खिलाफ कोर्ट में केस लगाया, पर इत्तेफाक से लेन देन के सभी कागज गुजराती भाषा में थे। जाहिर है ये कागज अंग्रेज वकील की समझ से परे थे, तो तय हुआ कि एक ऐसा सहायक लाया जाए जिसे गुजराती भाषा के साथ साथ कानून का भी ज्ञान हो। दादा अब्दुल्ला ने इस काम के लिए गांधी जी को चुना। दुर्दिनों से गुजर रहे गांधी के लिए यह मौका वरदान सरीखा था। वो लिखते हैं, मुझे घूमना पसंद था। मैं सौराष्ट्र में साजिश के माहौल से तंग आ चुका था, और यह काम सिर्फ एक बरस के लिए था, जिसे स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। मेरे पास खोने के लिए भी कुछ नहीं था, क्योंकि दादा अब्दुल्ला ने मेरे यात्रा खर्च के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका में होने वाले खर्च और 105 पाउंड की फीस देने का वादा किया था। यह काम मुझे मेरे बड़े भाई के माध्यम से मिला था, जो कि मेरे लिए पिता समान थे। मेरे लिए उनकी इच्छा एक आज्ञा थी। मैं मई 1893 में डरबन पहुंच गया। एक बैरिस्टर एट लॉ होने के नाते मैंने इस केस के लिए पूरी तैयारी की थी, लेकिन मेरा जल्द ही मोह भंग हो गया। गांधी आगे लिखते हैं, मैंने पहले दिन देखा कि यूरोपीय लोग भारतीयों के साथ बेहद अपमानजनक व्यवहार करते थे। मैं अपने आगमन के एक पखवाड़े के भीतर अदालतों में हुए कड़वे अनुभव का वर्णन नहीं करूंगा। रेलगाड़ियों पर मुझे जो कठिनाइयां हुई, रास्ते में मुझे जो कष्ट मिला, और होटल में कमरा मिलना तो असंभव था। ये सभी अनुभव मुझे अंदर तक साल गए। हालांकि मैं इस देश में केवल मुकदमा लड़ने ही आया था, पहले बरस में मैं इन सभी घटनाओं का मात्र साक्षी और पीड़ित था। पर फिर मेरा कर्तव्य बोध जागा। मैंने देखा कि स्वहित के नजरिए से भी दक्षिण अफ्रीका मेरे लिए अच्छा नहीं था। वैसे भी ऐसे देश में धन कमाने का क्या मतलब जहां अपमान हो। मैं दुविधा में था, या तो खुद को मैसर्स दादा अब्दुल्ला के साथ इस आधार पर अनुबंध से मुक्त कराकर वापस भारत चला जाऊं, या फिर सभी कठिनाइयों को सहन करूं और किया गया वादा निभाऊं। ये महात्मा गांधी का साउथ अफ्रीका की नस्लवादी सरकार और रंगभेदी समाज से पहला परिचय था। उन्होंने रुकने और आगे बढ़ने की ठानी। वैसे आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल,
कभी न कभी जीवन में हम सभी ने अपमान का घूंट पिया है, पर हम में से कितने हैं जिन्होंने ऐसे कड़वे तजुर्बे को बदलाव का हथियार बनाया और ऐसा इतिहास रच डाला जिसने देश और समाज दोनों को ऊंचाइयां दी। कालखंड में झांकें तो कालिदास, चाणक्य और पांडवों के नाम याद आते हैं, पर गांधी का नाम इस फहरिस्त में कैसे आया? 7 जून 1893, महात्मा गांधी केस के सिलसिले में डरबन से प्रिटोरिया के लिए रवाना होते हैं एक फर्स्ट क्लास टिकट के साथ। गाड़ी रवाना होती है, एक अंग्रेज इन्हें फर्स्ट क्लास में बैठा देखता है। आदतन वो इसका विरोध करता है, टिकट कलेक्टर को बुलाता है। टिकट कलेक्टर एक पुलिस वाले को बुलाता है और अगले स्टेशन पर गांधी जी को सामान सहित धक्के मारकर अंधेरे प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया जाता है। इस स्टेशन का नाम था पीटर मैरिट्सबर्ग। इन सभी लोगों को शायद इसका कतई गुमान ना था कि वो क्या कर बैठे हैं। इनकी इस हरकत ने एक नहीं बल्कि दो दो देशों की किस्मत की लकीरें बदल डाली थी जो एक ही तरफ जाती थी, मुकम्मल आजादी की तरफ। तारीख बताती है कि फिर इस आग को बुझाना आततायियों के बस में नहीं रहा। गांधी जी उन पलों को बड़ी शिद्दत से याद करते हैं। गांधी जी का यही बड़ा प्रयोग भारत में भी सफल रहा कि उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग को जागृत किया, चाहे वो किसान वर्ग रहा, चाहे महिला वर्ग रहा, चाहे दलित वर्ग रहा, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग रहा, कि जिस जिस के लगता है कि हमारे ऊपर अन्याय किया जा रहा है, नए गलत कानून बनाए जा रहे हैं, तो सामूहिकता के माध्यम से उसका विरोध और उस कानून को वापस करा के न्यायपूर्ण व्यवस्था देने का कार्य सरकार को करना चाहिए। यही एक बहुत बड़ा गांधी जी का योगदान है। मुझे मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर एक पुलिस कांस्टेबल ने ट्रेन से बाहर ढकेल दिया था। वो रात कड़कड़ाती ठंड में कांपते हुए प्रतीक्षालय में कटी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा सामान कहां पड़ा था और ना ही मैंने किसी से पूछने की हिम्मत की, कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर मेरा अपमान किया जाए, मेरे साथ मारपीट की जाए। नींद का तो सवाल ही नहीं था। मेरे मन में तमाम संशय पैदा हो गए थे। देर रात मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि भारत वापस जाना कायरता होगी, मुझे वो काम पूरा करना चाहिए जिसके लिए मैं आया था। मुझे अपमान और हिंसा से डरे बगैर प्रिटोरिया पहुंचना था। प्रिटोरिया मेरा लक्ष्य था, वहां केस लड़ा जा रहा था। मैंने कुछ कदम उठाने का मन बनाया, अगर ऐसा अपने काम के साथ साथ संभव हुआ तो। इस संकल्प ने मुझे काफी हद तक शांत और मजबूत किया, लेकिन उस रात नींद फिर भी कोसों दूर रही। वो स्टेशन आज कुछ ऐसा दिखता है, वो बीते हुए लम्हे यहां आज भी महसूस किए जा सकते हैं। गांधी जी आगे लिखते हैं, अगली सुबह मैंने दादा अब्दुल्ला की फर्म और रेलवे के महाप्रबंधक को तार भेजा। खबर मिलते ही दादा अब्दुल्ला और उनके साथी सेठ अब्दुल्ला हाजी आदम जवेरी सक्रिय हो गए। उन्होंने मेरी सुरक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर अपने भारतीय एजेंटों को तार भेजा। वो रेलवे महाप्रबंधक से भी मिले। मैरिट्सबर्ग के भारतीय व्यापारी भी मेरा पुरसा हाल लेने आए। उन्होंने मुझे दिलासा देने की कोशिश की और बताया कि उन सभी को मेरे जैसे ही कड़वे अनुभव हुए थे, लेकिन उन्हें ऐसी बातों का बुरा नहीं लगा क्योंकि ये उनकी आदत बन चुकी थी। व्यापार और संवेदनशीलता का सीधा कोई नाता नहीं है। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि कैसे भारतीय लोग मुख्य द्वार से रेलवे स्टेशन में प्रवेश नहीं कर सकते थे और टिकट खरीदना उनके लिए कितना मुश्किल था। मैं उसी रात प्रिटोरिया के लिए रवाना हुआ, पर ईश्वर को अभी और परीक्षा लेनी थी। प्रिटोरिया जाने के रास्ते में मुझे और अपमान झेलने पड़े, मेरी और पिटाई हुई, लेकिन इन सब ने मेरे संकल्प को मजबूत ही किया। प्रिटोरिया में गांधी जी ने केस को आर्बिट्रेशन में डाला और इसमें दादा अब्दुल्ला की जीत हुई। बहरहाल इस तरह 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के दयनीय हालत से
पूरी तरह वाकिफ हो चुके थे, पर उन्होंने खास कुछ नहीं किया। उनका मानना था कि एक ही समय में फर्म के कानूनी मामलों को संभालना और स्थानीय भारतीयों के हक में आवाज उठाना लगभग असंभव था। 1894 आते आते उन्होंने फिर वापस भारत आने का मन बनाया, पर अभी नियति का फैसला आना बाकी था। हुआ ये कि स्थानीय भारतीय समुदाय ने गांधी जी के सम्मान में विदाई समारोह रखा था। इसके सूत्रधार थे दादा अब्दुल्ला। किसी ने समारोह के दौरान उनके हाथों में नेटल मरकरी नाम की पत्रिका थमाई। इसमें नेटल विधानसभा की कार्रवाई की रिपोर्ट थी, जिसका शीर्षक इंडियन फ्रेंचाइज था। इसका लबोलुवाब ये था कि स्थानीय सरकार भारतीयों के वोटिंग राइट छीनने के लिए एक विधेयक ला रही थी और स्थानीय भारतीयों के रहे सहे अधिकार को भी खत्म करने की पूरी तैयारी थी। गांधी जी ने सुझाव दिया कि स्थानीय भारतीयों को इस हमले का सख्ती से विरोध करना चाहिए। सहमति भी बनी, पर एक अदद नेता की कमी थी। उनके मेजबानों ने उनसे रुकने का आग्रह किया, जिसे गांधी जी ने मान लिया। उन्होंने उसी रात एक याचिका बनाई, जिसमें विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखने का प्रस्ताव था। कार्रवाई में देरी का अनुरोध करने के लिए सरकार को एक टेलीग्राम भी भेजा गया। सेठ हाजी आदम की नुमाइंदगी में एक समिति भी बनी। विधेयक 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। यह पहली याचिका थी जो भारतीयों द्वारा दक्षिण अफ्रीकी विधायिका को भेजी गई थी। इससे एक धारणा बनी कि संगठित होकर आगे बढ़ा जा सकता है। हालांकि ये याचिका बिल को पराजित करने में विफल रही, पर यह दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों के लिए इस तरह के आंदोलन का पहला अनुभव था। बिरादरी में उत्साह और नया रोमान जगा। आने वाले वक्त में हर दिन बैठकें आयोजित की जाने लगीं, जिसमें अधिक से अधिक लोग शामिल होते थे। धन भी इकट्ठा होने लगा। लोग बगैर किसी प्रोत्साहन राशि के प्रतियों को तैयार करने, हस्ताक्षर और समान कार्य में मदद के लिए आगे आने लगे। ऐसे लोग भी थे जो अंग्रेजी जानते और लिखते थे। उन्होंने दिन रात नकल और दूसरे काम किए और 1 महीने के भीतर ही 10,000 हस्ताक्षरों वाला एक रिप्रेजेंटेशन लॉर्ड रिपन को भेजा गया। इसी आंदोलन ने 22 अगस्त 1894 को नेटल इंडियन कांग्रेस की नींव डाली। इसके प्रणेता थे महात्मा गांधी। आपकी जानकारी के लिए, उस वक्त नेटल में 50,000 से अधिक भारतीय थे। इनमें से एक तिहाई बागानों, खानों और रेलवे में गिरमिटिया मजदूर थे, जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर जमीन और अधिकारों के वादे के साथ 5 बरस के अनुबंध पर लाया गया था। फिर लगभग 30,000 स्वतंत्र भारतीय थे। ये वो जमात थी जिसने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया था और व्यापारिक समुदाय की तादाद लगभग 5,000 थी। नेटल के विकास में भारतीयों ने बहुत योगदान दिया था, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीयों को बुनियादी अधिकारों से वंचित करने की कोशिशें तेज कर दी थीं। वो महसूस करते थे कि मुक्त भारतीयों का अस्तित्व उनके वर्चस्व को घटा देगा। उन्होंने भारतीयों को व्यापारिक लाइसेंस देना भी बंद कर दिया था। उन्होंने सभी मुक्त भारतीयों पर 3 पाउंड का कर भी लगाया था, ताकि उन्हें फिर से भारत लौटने पर मजबूर किया जा सके। गांधी ने गिरमिटिया मजदूरों को मुफ्त कानूनी सेवाएं देना शुरू कर दिया था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को कई याचिकाएं और ज्ञापन सौंपे थे। भारतीय अधिकारों की रक्षा के मुद्दे पर प्रेस में कई पत्र भी लिखे थे। भारत की यात्रा पर उन्होंने तमाम नेताओं और संपादकों से मुलाकात की थी और उनका समर्थन भी हासिल किया था। गांधी जी की कमाई का बड़ा हिस्सा जनहित में खर्च होता था। 1903 में उन्होंने एक साप्ताहिक समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन लॉन्च किया। इसका मकसद न केवल भारतीय समुदाय के लिए, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में गोरों, साथ ही भारत और ब्रिटेन में लोगों को भारतीयों की दुर्दशा के बारे में सूचित करने और उनकी समझ और समर्थन को साथ लेना था। 1904 में जॉन रस्किन के ग्रामीण जीवन के उपदेशों से प्रभावित होकर गांधी जी ने डरबन के नजदीक 100 एकड़ में फीनिक्स फार्म बसाया था, जो सहज और सरल सामूहिक जीवन जीने के लिए एक बेहतरीन जगह थी।
ये आश्रम सत्य, प्रेम और अहिंसा पर आधारित उनके दर्शन को विकसित करने का गवाह बना। कि महात्मा गांधी ने जो अपने जीवन के दो दशक से अधिक का समय दक्षिण अफ्रीका में दिया, उससे वो मोहन से महात्मा के रूप में बने। और ये बात भी सत्य है कि गांधी जी ने मानव जाति के कल्याण का जो मार्ग सत्य और अहिंसा का, सत्याग्रह के दर्शन का, जो भी एक नया रास्ता मानव जाति को दिखाया, उसका पूरा का पूरा शास्त्र दक्षिण अफ्रीका की परिस्थितियों ने ही तैयार किया। सत्याग्रह का सिद्धांत गांधी जी के सफलतम प्रयोगों में माना जाता है। इसकी जन्मस्थली भी साउथ अफ्रीका रही। इसके बीच एंग्लो बोर युद्ध के दौरान पड़ी। गांधी जी लंबे समय से मान रहे थे कि स्थानीय भारतीयों को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उनकी छवि समझदार और जिम्मेदार नागरिक की बने। तो उन्होंने 1899 के आसपास 1000 से अधिक नेटल भारतीयों को साथ लेकर एक एम्बुलेंस कोर बनाया। इसने इस युद्ध के दौरान एक सकारात्मक भूमिका निभाई। फिर 1906 में नेटल में जुलू विद्रोह के दौरान उन्होंने एक स्ट्रेचर वाहक वाहिनी बनाई। गांधी जी स्थानीय अफ्रीकी जुलू समुदाय के साथ सहानुभूति रखते थे। हुआ ये कि इस समुदाय ने एक चुनाव कर के खिलाफ विद्रोह किया। जब कुछ हिंसा हुई तो अंग्रेजों ने इन्हें बेरहमी से पीटा। इनका इलाज एम्बुलेंस कोर नहीं किया था। गांधी जी कहते हैं कि मैं जुलूस की घायल पीठों को कभी नहीं भूलूंगा जिन पर तमाम नीली धारियां पड़ी थीं। उन्हें नर्सिंग के लिए हमारे पास लाया गया था क्योंकि कोई भी सफेद नर्स उनकी देखभाल करने को तैयार नहीं थी। इस अनुभव ने अहिंसक प्रतिरोध में गांधी के विश्वास को और मजबूत किया था। वाहिनी के भंग होने के तुरंत बाद ट्रांसवाल अधिकारियों ने एक अध्यादेश निकाला जिसमें सभी भारतीयों को 10 फिंगरप्रिंट के साथ पंजीकरण करने और पुलिस द्वारा मांगने पर प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी था। इसे एशियाटिक ऑर्डिनेंस या ब्लैक एक्ट कहा गया। गांधी जी ने अध्यादेश को भारतीय समुदाय के खिलाफ घृणा से भरे कृत्य के रूप में देखा। उन्होंने इसका पुरजोर विरोध करने का फैसला किया। तो गांधी जी का ये जो प्रयोग था कि ये आवश्यक है कि जिस वर्ग विशेष या जिस व्यक्ति समूह के खिलाफ कोई चीज़ अन्यायपूर्ण गलत हो रही है तो उनका विरोध उनको सामूहिक रूप से करना पड़ेगा। 11 सितंबर 1906 को एक बड़ी सार्वजनिक सभा में 3000 भारतीयों ने भाग लिया। सभा में गांधी ने चेतावनी दी कि यदि वे कानून को धता बताते हैं तो उन्हें सबसे बुरे व्यवहार के लिए तैयार रहना चाहिए। भारतीयों ने कानून को इतना अपमानजनक माना कि उन्होंने समर्पण के बजाय पीड़ित होना चुना और ईश्वर के नाम पर पंजीकरण ना करने का संकल्प किया। गांधी जी और उनके साथियों ने ब्रिटिश सरकार से अपील की जिसकी अनसुनी की गई। नतीजतन उन्होंने पंजीकरण कार्यालयों और अदालत का घेराव करना शुरू कर दिया। गांधी जी के एक यूरोपीय मित्र ने कहा कि भारतीय निष्क्रिय प्रतिरोध यानी पैसिव रेजिस्टेंस का रास्ता अपना रहे हैं, जो कमजोर का हथियार कहा जाता है। गांधी जी ने उस शब्द को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने आंदोलन को आत्मबल की अभिव्यक्ति कहा। इंडियन ओपिनियन के माध्यम से उन्होंने आंदोलन को परिभाषित करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए और नवंबर 1907 में सत्याग्रह शब्द का चयन किया गया जिसका अर्थ था सत्य हेतु किया गया अहिंसात्मक हट। अन्यायपूर्ण कानूनों को, कायदों को विरोध करने का तरीका गांधी जी ने एक ही मानव जाति को दिया कि हम लोग संगठित होकर सामूहिक रूप से उस अन्यायपूर्ण नियम का, कानून का हम विरोध करें, उल्लंघन करें, सत्याग्रह करें। तो इस तरह गांधी जी के जीवन में एक नया दौर शुरू हुआ जिसकी बुनियाद में बरसों की याचिकाएं, अपीलें, संकल्प, अपमान और खून पसीना शामिल था।
आने वाले वक्त में उन्होंने सत्याग्रह के दर्शन को खूब मांझा। इसके तहत अन्यायपूर्ण कानूनों की निर्भीक अवहेलना, विचारों और कर्मों में अहिंसा का पालन करना और अन्याय के प्रतिरोध का एक सभ्य और मानवीय रूप शामिल था। सत्याग्रह का मकसद विरोधी में सकारात्मक परिवर्तन लाना और उसे सुलह के रास्ते पर लाना था। ১৯০৮ में गांधी जी को सत्याग्रह को बढ़ावा देने के लिए पहली बार 2 महीने के लिए जेल जाना पड़ा। हालांकि जनरल स्पर्श के साथ एक समझौते के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। दुर्भाग्य से स्मर्ट्स ने समझौता तोड़ दिया और गांधी जी को अपने सत्याग्रह को फिर से जारी करना पड़ा। 1909 में उन्हें वोक्सहस्ट और प्रिटोरिया जेलों में 3 महीने की कैद की सजा सुनाई गई थी। रिहा होने के बाद वो भारतीय समुदाय के लिए समर्थन जुटाने के लिए इंग्लैंड रवाना हुए। 1913 में उन्होंने ईसाई अधिकारों के अनुसार नहीं मनाए जाने वाले विवाहों को रद्द करने के खिलाफ अभियान में मदद की। वहाँ दक्षिण अफ्रीका में कि वहाँ गौरी सरकार ने नियम किया कि जो मुस्लिम या हिंदू तरीके से शादी की गई हैं उन शादियों को यहाँ वैध नहीं माना जाएगा दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि वह विषय स्त्रियों से संबंधित था। क्योंकि जो स्त्रियाँ हैं जो पत्नी के रूप में हैं वो उनकी पत्नी के रूप में जो वैधानिक स्थिति थी वो उनकी समाप्त हो रही थी। तो गांधी जी ने कस्तूरबा के नेतृत्व में वहाँ भारतीय महिलाओं को संगठित किया, वो महिलाओं ने आंदोलन किया। कस्तूरबा और उनके साथ बहुत सी सैकड़ों महिलाएं जेल गईं और उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी और जीती। उन्होंने ट्रांसवाल सीमा के पार 2000 भारतीय खनिकों का नेतृत्व करके अपना तीसरा सत्याग्रह अभियान शुरू किया। जून 1913 में केंद्रीय संसद द्वारा भारतीय राहत विधेयक के पारित होने के बाद 8 बरस से चला रहा सत्याग्रह खत्म हुआ। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास अब खत्म हो चला था। वो यहां कुल 1 बरस के लिए आए थे, पर 21 बरस कैसे बीत गए पता ही ना चला। हालांकि इसका पूर्वाभास फीनिक्स वासियों को गोपाल कृष्ण गोखले की 1912 की यात्रा के दौरान हो गया था। उन्होंने कहा था कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों से जुड़े मुद्दों के निपटारे के बाद गांधी जी को भारत लौटने के लिए राजी किया जा सकता है। गोखले का मानना था कि गांधी जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभा सकते थे। आगे चलकर ऐसा हुआ भी। फिलहाल नेटल में भारतीयों को अपने विदाई भाषण में गांधी जी ने आश्वस्त किया था कि उनके जाने का मतलब ये कतई नहीं है कि फीनिक्स में जरूरतमंद लोगों के लिए सहायता उपलब्ध नहीं होगी। पर गांधी का आखिरकार जाना फीनिक्स वासियों के लिए एक बुरी खबर थी। यहाँ के कई बाशिंदे भारत वापस चले गए, पर गांधी जी और उनके परिवार के जाने के बाद भी इंडियन ओपिनियन छपता रहा, साउथ अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के हक में आवाज उठाता रहा। दिसंबर 1914 में गांधी जी ने जरूर अपनी पहली कर्मभूमि को अलविदा कह दिया, पर उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांत सोने से चमकते रहे, छुआछूत और नस्लवाद की लड़ाई में सशक्त हथियार बनते रहे। उन्हीं के प्रबल अनुयायी थे नेल्सन मंडेला, जिन्होंने गांधीवाद के बल पर साउथ अफ्रीका में चले आ रहे नस्लवाद को जमींदोज कर दिया था और वहां के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। India was the first country to voice the abhorrence of apartheid to the world. We salute you in the name of the African National Congress and the millions of the oppressed fighting people of South Africa. India's link with South Africa in respect of the liberation struggle thus goes back to the days of this great man, Mahatma Gandhi. जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए और वहां ब्रिटिश का अन्याय देखा तो फिर उसने अपने मन में संकल्प किया कि अंग्रेज सत्ता को हटानी चाहिए, अंग्रेज सत्ता को दूर करनी चाहिए। यह संकल्प दक्षिण अफ्रीका में हुआ है।
तो दक्षिण अफ्रीका के इतिहासविद कहते हैं ना कि आपने तो मोहन भेजा था, हमने महात्मा बना के भी वापस लिया है आपको। बापू के सिद्धांतों और सर्वकालिक प्रासंगिकता को नई ऊंचाइयां और नए आयाम दिए थे। फिलहाल वो कहानी फिर कभी। फिलहाल अभी आपको छोड़ जाते हैं कुछ तस्वीरों के साथ, जो नए दौर और नए भारत को परिभाषित करती है, जिसका आगाज 126 बरस पहले गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से ही किया था। गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि भारत ने उन्हें जन्म दिया पर गढ़ा साउथ अफ्रीका ने। ये सच भी है। उनके तमाम शुरुआती प्रयोगों की भूमि साउथ अफ्रीका ही रही। इन प्रयोगों का फल भारत को विरासत में मिला और गांधी जी के जीवन का असल इम्तिहान भी 1915 से भारत से ही शुरू हुआ। तो कैसी थी उसकी तासीर, देखेंगे अगले एपिसोड में। आपको ले चलेंगे चंपारण। साथियों, हमने उनके 21 बरस के साउथ अफ्रीका प्रवास को एक सीमित समय में दिखाने की कोशिश की। सब कुछ तो नहीं दिखा सकते, पर आपकी प्रतिक्रिया का हमारी टीम को जरूर इंतजार रहेगा। फिलहाल अगले एपिसोड तक नमस्कार।